शाह साहब को लगता है सर्दी लगना शुरू हो गई है बहुत। अब मजीद जितनी देर यहाँ रुकेंगे आपको टेम्परेचर इसका जो है ना वो मजीद लो। अच्छा सर, ये साउथ इंडिया तो कभी गोले गोले नहीं आए उधर से? नहीं नहीं, ऐसी कोई वहाँ को नहीं है। ऐसे बॉर्डर लाइन बिल्कुल साथ ही करीब ही है, बॉर्डर लाइन कुछ करीबन 1 किलोमीटर दूर खड़े। हम तो वो पास थे तो हम इस खतरे से इधर आ गए, कहीं उधर से कुछ होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, पुरमन है। हाँ पुरमन है। देखें जी ये लोग यहाँ पे जाल माशाल्लाह सीधा कर रहे हैं हमारे लोग, लेकिन असल में मकसद पीछे इनका अपना है, इन्होंने खुद मछली खानी है। दरिया के दरमियान है इस वक्त जी, बिल्कुल। तो अल्लाह के बाद किस पे भरोसा है इस वक्त? बस ये जो क्या नाम है इसका, बेड़े वाले का, ये बेड़े वाले पे। हाँ जी, आपके पास ये कौन सा जाल है? 60 में वाला जाल है। एनू अंदर सट दो, एनू बाहर सटी दे, अंदर सटी दे। सुख का सांस ले रहे हैं इधर। अरे वाह वाह वाह, अच्छा इतना मतलब है, एनवायरमेंट बहुत अच्छी है इधर की, तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इधर। चला जी, दुआ कर रहे हैं। अभी तक तो जिंदगी में जितनी दफा आए यहाँ पे, जितने मछेरे लेके आए, जितने भी जाल लेके आए, कभी भी हाथ नहीं आई मछली। अच्छा खाना पकाना लगा देंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं। वही मसाला आप बताएं, खाना पकाना आता है? वैसे मिर्च मसाला तो ये मीडिया वाले ज्यादा नहीं लगाते। जी शाह साहब किधर आ गए जी? अब कौन सा इलाका है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा शहर? ये आपको अगवा करके तो नहीं ले आए जी? अगवा तो नहीं हो गया आप? नहीं नहीं नहीं, दरिया पे जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन इस तरह का है। तो ये भाईजान बैठे हुए हैं साथ और ये बैठे हुए हैं, तो ये हमारा खाना है जी। मैं भी इनके साथ एक दो लुक में लगाऊंगा, आप देखेंगे कि बड़ी जबरदस्त ये दाल गोश्त है। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं भूख तो नहीं लगी, भूख यकीनन लगी हुई, लेकिन खाएंगे हम मछली। मैं हर दोस्त नु एक गल आखांदा कि अजीजदारी छुट सकती है, तलक बंदे दा छुट नहीं सकता, और अपने अपने तलक नु कायम रखो अगर इस दुनिया ते इज्जत है यार ना जिंदा रहना चाहते जी। इंशाल्लाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ये थी पूरी टीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शराफत अली मून और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज हमने एक मुतालियाती दौरा रखा है जिसमें दरिया के ऊपर मछली है और थाना कंगनपुर का विजिट था, और हमारी टीम यहाँ पे पूरी पहुँच चुकी है। हमने एक दिन मुख्तस किया था जो अपने लिए जीना है, तो उसमें हमारी टीम के जो रूह रवां हैं वो सैयद अब्दुलरहमान शाह काजमी हैं, जो कि अवामी खिदमत कमेटी के सदर हैं, वो भी साथ हैं, और उनके साथ हमारे बड़े प्यारे SHO सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त। और आज आप दरिया के ऊपर हैं, तो किस मिशन पर आज? ये आज दोस्त आए हैं सारे जी। शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा बेहतरीन माहौल है, बुखारी साहब की दावत पर यहाँ पे दोस्त अवामी खिदमत कमेटी की एग्जेक्टिव बॉडी तशरीफ़ लाई, तो मैं उनका मशकूर हूँ, दोस्तों का भी और बुखारी साहब का खसूसी तौर पे, कि उन्होंने इतने खूबसूरत इलाके में हमें बुलवाया है। तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामल आजला अता फरमाए, तो ऐसी सैर व तफरी होनी चाहिए दोस्तों को। इंशाल्लाह बुखारी साहब का प्यार हमेशा हमारे साथ ज़िंदा रहेगा जब तक जिसम में जान है। इंशाल्लाह ऑनलाइन दुनिया से निकले हैं आज आप, तो फिजिकल में जी बुखारी साहब का के मशहूर हैं हम, इन्होंने हमें बहुत अच्छी ये जगह दिखाई है। मैं पहले कभी यहाँ पे नहीं आया, बाकी दोस्त यहाँ पे आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे आके। हम किस जगह पे इस वक्त हैं? हम इधर ये पतन है जी, अपना लोले जट्टा वाले दरिया सतलुज तहसील चुनिया में। दरिया के किनारे जो रेत होती है ना, इसके ऊपर चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बस औकात ये होता है कि रेत अगर तो गीली है तो फिर थोड़ा सा आपके पाँव में मट्टी शट्टी लगेगी, क्योंकि थोड़ी सी मट्टी मिक्स होती है, और अगर रेत गीली नहीं है आपने वैसे चलना है तो फिर इस तरह की खुश्क होगी। गाड़ियों को यहाँ पे खड़ी कर दी इधर, असल में आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रेत है, रास्ता अनबैलेंस है। ठीक है, इधर आप अकब में देख सकते हैं कि दरिया जो है ना वो बड़ी रवानी के साथ बह रहा है, तो और हम इधर इंजॉय करने आए हैं। बुखारी साहब की मोहब्बत का शुक्रिया कि उन्होंने खुडियां खास कसूर की अवामी खिदमत कमेटी को यहाँ पर आने की दावत दी। रेगिस्तान के सहरा में पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, और ये रेत है। ठीक है, इसको रेगिस्तान ना भी कहें लेकिन हमारे लिए रेगिस्तान है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है। वैसे ही सारा दरिया का इलाका है जी। शाह साहब किधर आ गए जी? अब कौन सा इलाका है, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर? ये आपको अगवा करके तो नहीं ले आए जी? अगवा तो नहीं हो गया आप? नहीं नहीं नहीं। नहीं जी, बेड़े में सवार हो रहे हैं हम, ये शोर बहुत ज़्यादा है बेड़े के अंदर, और ये देखें सारी टीम पीछे खड़ी हुई है। अभी मैं तो सवार हो गया हूँ, बाकी लोग जो है वो पीछे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, पहले ये सवारियाँ उतरेंगी फिर नई सवारियाँ आएंगी उनको बिठाएंगे
और फिर हम जो है ना अगला सफर अपना शुरू करेंगे। अभी हम दरिया के पार जा रहे हैं, दरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं। इमरान जट साहब हैं जी। इमरान साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए मोहम्मद साहब। जबरदस्त, कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जनाब। आज हमारे दोस्त आए हैं कुटिया से जनाब, और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आज वो बड़े एक्साइटेड है, खुश है। आप दरिया के दरमियान है इस वक्त? जी बिल्कुल। तो अल्लाह के बाद किस पे भरोसा है इस वक्त? बस ये जो क्या नाम है इसका, बेड़े वाले का। ये बेड़े वाले पे? हाँ, इस पे भरोसा है। ये कौन से गंदम है? ये गंदम है, गंदम की फसल जो है ना वो काश्त की हुई है। तो जब पानी आता होगा ये तबाह हो जाती होगी? जाहिर है, फिर हम लोग इतराज करते हैं हुकूमत पे भी और अपने नसीबों पे भी। पहले हमें सोच लेना चाहिए इस पे। शाह साहब, रेत के ऊपर चलने का पहले भी तजुर्बा है? नहीं जी, हम तो इधर पोस्टिंग रही है पहले भी, तो ये इलाका जो है ना देखा वाला है। यहाँ पे आते जाते रहते होंगे? हाँ जी हाँ जी। वैसे तो बहुत मुश्किल है, पहला हिस्सा क्रॉस किया, अब ये दूसरा हिस्सा आ गया। ये वो लोग हैं जो दरिया पे मछली का शिकार करते हैं। ये जाल है, स्पेशली जाल है, ये लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ा जाल है, यानी कि ये एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक है। अभी इसको बिछाया जा रहा है, ये जाल लगाएंगे और फिर हम मछलियां पकड़ेंगे। हाँ जी, आप बताएं, पानी ठंडा नहीं लगता? पानी ठंडा है, उन्हें टेढ़ पीछे बढ़ना पैंदा है। अच्छा, पेड़ की खातर बच्चों की खातर पाई करना पैंदा है, पानी तो ठंडा ही है। कितनी देर तक ये लगाएंगे जाल आप? ये तकरीबन एक घंटे तक के अंदर अंदर तक लग जाएंगे। चले इंशाल्लाह जी। ये देखें जाल है, इस सारे को बिछाएंगे और ये वो हमारी इनवाइटेड टीम खड़ी हुई ये हमारे पास सिक्योरिटी के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा लग रहा है? अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा है। देखें जी, ये लोग यहाँ पे जाल माशाल्लाह सीधा कर रहे हैं हमारे लोग, और साथ में हेल्प कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है हौसला अफजाई के लिए, लेकिन असल में मकसद पीछे इनका अपना है, इन्होंने खुद मछली खानी है। चेक करें जी, ये वो जाल है जो यहाँ पे लगाया जाएगा और उससे मछली पकड़ी जाएगी। इस जाल को पहले सीधा किया गया, सीधा करने के बाद इसको यहाँ पे बिछाया गया। बिछाने के बाद अब इसको दोबारा छोटी कश्ती में लोड करेंगे और ये दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लगाएंगे, और ये जब भर जाएगा तो फिर वापस निकाल लेंगे। कहते हैं कि इसमें 8-10 मन तक भी मछली आ जाती है, लेकिन वो मछली की रवानगी से होता है कितनी मछली पीछे से आ रही है। तो आप यहाँ से जो मछली पकड़ते हैं फिर उसके साथ क्या करते हैं? उसे सेल करते हैं, इधर मुख्तलि लोग आ जाते हैं अपने, कुछ लोग उस तरह शौक नाल आ जाते हैं। ठीक है। कुछ व्यापारी होते हैं ना जो शहरों में जा के सेल करते हैं। ठीक है। वो भी पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो उनके पास जो रेट उनके साथ तय करके तो भेज देते हैं, इधर ज्यादा आ जावे तो फिर लाहौर में ले चले जाते हैं। माशाल्लाह, चलें जी हम भी देखते हैं आज हमारे हिस्से में क्या आता है। ये जाल लगाने जा रहे हैं, और ये जाल लगाएंगे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं अमीन। हाँ जी अमीन। हाँ जी भाई जान, एंजॉय हो रहा माशाल्लाह। लगता है पूरा प्रोग्राम है मच्छी खाना जी। माशाल्लाह, अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह हर मच्छी मिल जाए। सही जी शाह साहब, क्या कह रहे हैं? मच्छी जनाब काबू आएगी तो खावांगे जनाब। वैसे मछली ऐसी खाने का ही मजा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी बात ही है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, दुआ कर रहे हैं। अभी तक तो जिंदगी में जितनी दफा आए यहाँ पे, जितने मछेरे लेके आए, जितने भी जाल लेके आए, कभी भी हाथ नहीं आई मछली। अच्छा, आज देखते हैं क्या बनता है। चलें जी इंशाल्लाह। सफर भी बड़ा किया है, निशाद भाई साथ हैं, अमीन भाई साथ हैं, पूरी टीम साथ है। इंशाल्लाह थोड़ा सीधे चलें, किनारा कच्चा भाई है। अमीन साहब जो है ना वो आज मसाला जात लगाएंगे। कौन से वाला मसाला? वो जो होता है मछली का। आप मसाला ढके छुपे लफ्जों में कुछ और तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, मसाला जात इसको लगाएंगे ना। अच्छा अच्छा, मसाला जात लगेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं जी। अमीन साहब शाह साहब सही कह रहे हैं माशाल्लाह जी। दरिया का किनारा है जी, और इसके अंदर ये पानी है अगर हम आगे जाएंगे तो। लेकिन ये पानी पहले थोड़ा ज्यादा था, ये देखें आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे ये पानी खुश्क हो गया होगा। हाँ जी, आपके पास ये कौन सा जाल है? साठवें वाला जाल है। एनू अंदर सट दो? एनू बाहर सट दे, अंदर सट दे। ते ए किन्नी कु मच्छी इंदे च आ जांदी? मच्छी इंदे च आ जांदी 10-12 सेरा। ठीक है, उन फिर की करदे हो? उन फिर पका भी दा। पहली दफा सराके च आए हां, ते वाकई जड़े ना जी एक बड़ा जबरदस्त मौसम भी है, ते खूबसूरत नारे मजा आ रहा देख रहे मच्छी किवें फड़दे पने। ये जी छोटा जाल है, इसको ये सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद ये जाल इस पानी के अंदर फेंकेंगे। वो पीछे बड़ा जाल है, ये छोटा जाल है। अब ये भाई साहब जो हैं ये जाल को अपने तरीके से पहले सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद इसको बिछा के पानी के अंदर फेंकेंगे,
और फिर इसके अंदर जो मछली आएगी, ये नीचे जो आपको लगे नज़र आ रहे हैं एक्चुअली ये वो लोहे के पॉइंट्स हैं जो कि नीचे डूब जाते हैं पानी में, ताकि मछली जाल के नीचे से ना निकल सके और बाकी जाल ऊपर आता है। ये देखेंगे ये कितने खूबसूरत अंदाज से ये इतना एरिया इस जाल ने ये कवर कर लिया है। अब ये सेंटर से इसको खींचेंगे, पहले जाल नीचे बैठने का वेट करते हैं। जाल अब बैठ गए, अब इसको ये वापस खींच रहे हैं, ठीक है। ये कश्ती वाले भाई भी आ गए हैं और उस तरफ देखें, इस कश्ती के जाल का दूसरा सिरा उनके हाथ में है। ये जाल इस तरह से बिछा हुआ है, यहाँ पे ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही हैं जाल के ऊपर हैं, ये जाल को फुली डूबने नहीं देते और ये जाल फेंक रहे हैं। ये चेक करें आप, लीजिए ये ना मछली का इंतज़ार हो रहा है, असल में सामने जाल फेंकने जा रहे हैं। शाह साहब मुझे ये बताएं कि मछली इधर ही बना के खाएंगे या लेके जाएंगे? सर देखेंगे, इधर इंशाल्लाह ताला लकड़ी आ गई है, कोयले भी आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे मछली बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, यहीं खाएंगे। और मसाला तो पहले लगा दिया ना, वो मसाले वाला बंदा तो आपके साथ है मेन? जी मसाला जात लगाने वाले साथ ही हैं, निशाद भाई भी बेहतरीन मसाला जात लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, मसाला लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, मछली आए तो सही एक दफ़ा। नहीं आप देख लें, एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके, आपको नहीं, खाना नहीं, मसाला लगा देंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं, वही मसाला लगा। आप बताएं खाना पकाना आता है? वैसे मिर्च मसाला तो ये मीडिया वाले ज्यादा नहीं लगाते। आप ये बताएं कि आपको खाना पकाना आता है? हाँ जी पका लेंगे जी, यहाँ पे बैठ के तो पका ही लेंगे, घर पे घर की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं घर पे नहीं कोई। देख लें ये मुकर गए, अगर इनका कुछ आने वाला देख रहा है तो ये वीडियो इनके घर तक पहुँचा दें। कच्चे हैं अभी तो बेर? अभी कच्चे हैं यार, अभी खाने वाले नहीं है। ये छोटी छोटी है बेसिकली ना, ये छोटे जाल से जो पकड़ी गई ना ये वो वाली मछली है, अभी बड़ा जाल लगेगा तो उससे पता चल जाएगा। आज हमने देसी और खुद साख्ता एक बोट पे सफर करना है, जो पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लगा के एक पीटर इंजन लगा के बनाई हुई है। बड़े डरते डरते बैठे, अल्लाह को याद करते करते उसने क्रॉस करवाया, वो एक एडवेंचर था। मेरे साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। जबरदस्त, आप दरिया पे आए हैं, कैसा लग रहा है? दरिया पे माशाल्लाह नेचुरल सारी चीजें हैं माशाल्लाह जी, सुख का सांस ले रहे हैं इधर। अरे वाह वाह वाह, अच्छा इतना मतलब है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है इधर की, तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इधर। शाह साहब को लगता है सर्दी लगना शुरू हो गई है बहुत, अब मजीद जितनी देर यहाँ रुकेंगे इसका जो है ना वो मजीद लो। अच्छा सर ये साउथ इंडिया तो कभी गोले गोले नहीं आए उधर से? नहीं ऐसी कोई वहाँ को नहीं हुआ, ऐसे बॉर्डर लाइन बिल्कुल साथ ही करीब ही है, हम बॉर्डर लाइन के करीबन एक किलोमीटर दूर खड़े, हम तो वो पास थे तो हम इस खतरे से इधर आ गए, कहीं उधर से कुछ होना चाहिए। नहीं नहीं कोई खतरा नहीं है, पुरमन है। हाँ पुरमन है। शाम का पहर हो, सूरज अपनी धीमी धीमी जो रोशनी है वो जाहिर कर रहा हो, और आप दरिया के किनारे पे हों, रेत के ऊपर चल रहे हों, आपके दोस्त आपके साथ हों और आप मछली पकड़ने आए हों, तो सही तरीके से जो सर्दी गुजारने का मज़ा है वो यकीनन इसी चीज़ में है। तो आज हमने स्पेशल दिन निकाला है अपने लिए, वो कहते हैं ना महीने में एक बार ना सही तो साल में एक बार कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो आप सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन अपने लिए जिए। जाल में थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि हम जो अपना लंच है वो कर लेते हैं और जो डिनर है वो इसी फिश के साथ होगा। तभी हम कश्ती पर सवार होने जा रहे हैं, ठीक है, तो कश्ती पर सवार होंगे। अब देखें जी, जैसे मैंने बताया था दरिया पर जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन इस तरह का है, तो ये मेरे दोस्त हैं जो साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, मुझे उन्होंने खाने की दावत दी है, तो ये भाईजान बैठे हुए हैं साथ और ये बैठे हुए हैं, तो ये हमारा खाना है जी, मैं भी इनके साथ एक दो लुक में लगाऊंगा। आप देखेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त ये दाल गोश्त है। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं भूख तो नहीं लगी हुई, भूख यकीन लगी हुई, लेकिन खाएँगे हम मछली। चेक करें छत है, मज़े की दाल बनी हुई है। खैर हमने तो फिश खानी है, अभी खिलाएंगे ना हमें आप? बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि मत कर बारिशों से इतना प्यार, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, इसी तरस पे बने हुए ये कच्चे मकानात हैं जो कि दरिया के बिल्कुल पास हैं। अभी हम आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जावेद आशिक साहब, जिनके डेरे पे आए हैं,
उन्होंने आज की मेहमान नवाजी का जो हक है वो अदा करना है। ऐसा इंशाल्लाह ताला सदा याद रखांगे तुहानू अपने दिलां दे विच। नहीं थोड़ा घर है जी, थोड़ा जी थोड़ा प्यार दा शुक्रिया जी लाजमी जी 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 बिल्कुल जी सर, मैंने आपको कहा था कि हम पहुंच चुके हैं दरिया पे, तो जो आज की इस सारी तकरीब के मेज़बान हैं वो जनाब सदात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? खैर खैरियत। आज आपका खाना देख के और जो देसी माहौल में आपने सब चीज़ें बनाई बड़ा मज़ा आया। खासकर आपने जो दरिया की फ़िश खिलाई है ना वो बहुत यादगार है हमारे लिए। तो आज इतने मेहमान आपके पास आए, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ऐसे प्यारे दोस्त हमारे पास आए हैं और अल्लाह करे ऐसे रोज़ ही आते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या कहेंगे जी आप? नहीं बड़ा मज़ा है जी, माशाल्लाह सब दोस्तों को देखकर मिलकर बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला सबकी सेहत तंदुरुस्ती करे और लंबी उम्र करे और सबके रूह रवान जो यहाँ पे हमारी बुजुर्ग शख्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। असल गल है जी अजकल अजीजदारियां ने इन्होंने नालों तलक चंगा जे। मैं हर दोस्त नूं इह गल आखांगा कि अजीजदारी छुट सकती है, तलक बंदे का छुट नहीं सकता, और अपने अपने तलक नूं कायम रखो अगर इस दुनिया से इज्जत है यार ना जिंदा रहना चाहते जी। इंशाल्लाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ये थी पूरी टीम जिन्होंने आज बड़ा खूबसूरत यहाँ पे अरेंज किया है, और अभी हम जाएंगे यहाँ से, निकलेंगे अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और वापसी करेंगे।